आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो गाइस व्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे टिकटॉक इंस्टा पे फॉलो करो, बेल आइकन के बटन को लास्ट पे प्रेस करो ताकि हर आने वाली वीडियो जो है तुम लोगों को मिल सके और तुम लोगों से देख सको। सो गाइस तुम लोग देख सकते हो कि यार मेरा पब्लू किधर गया, मेरा जानवर किधर गया, वो कुर्बान हो गया, वो सुबह सुबह कुर्बान हुआ। उस टाइम मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सके बिकॉज वो बहुत हार्ड मोमेंट होता है, मैं देखिए मैं खुद नहीं देख पाती, इतना दर्द मैं उसका नहीं देख सकती। लेकिन हमारा इतना शरीफ और मासूम जानवर था कि मतलब उसने एक चूम भी नहीं की, जब उसकी गर्दन से भी उसने एक चूम तक नहीं की, मतलब इतना शरीफ और मासूम था, वो बहुत क्यूट था, बहुत प्यारा था। लेकिन उस टाइम कुर्बान हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो कि वहाँ पर सारा खून पड़ा हुआ है, सारी कुर्बानी जो है वो हो चुकी है। और अभी हम जो है ना वो गोश्त वगैरह की बैठे, देखो तुम लोग गोश्त की तकसीमात यहाँ पर हो रही है, मीट है जो इस टाइम कसाई बनी हुई और वो गोश्त काटी जा रही है, काटी जा रही है। ये भी ऐवी छुरी लेकर बैठी हुई है। अच्छा मैंने भी काटना था थोड़ा सा, लेकिन मुझे काटना नहीं है क्योंकि मुझे आता नहीं है काटना गोश्त। ये है सारी हमारी तकसीमात। और ये बड़ी ईद में यही सब कुछ होता है, मैं कहती बड़ी ईद में यार सोचा। और ये देखे कल इससे मेहंदी लग रही, मेरी छोटी बहन ने दूसरा हाथ भी दिखा रहा था, और ये दूसरे हाथ में लगाई है। और ये चेक करें मतलब इसकी मेहंदी बहुत खूबसूरत लगी है, मैंने मेहंदी नहीं लगाई, मैंने मेहंदी नहीं लगवाई इस बार, ये जो लगाई है थोड़ी सी ये भी खराब हो गई थी थोड़ी सी। तो इसमें तुम लोगों को दिखाया गया यहाँ पर जो है मेरी आपकी जो है सब गोश्त तकसीमात करके करके गोश्त को कट 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 करिए। तो देख सकते हो कि मेरे हाथ खाली क्यों है बिकॉज मैंने मेहंदी नहीं लगाई, मेरा बिल्कुल भी नहीं था मेहंदी लगाने का। एक हाथ पे गजन लगाई, दूसरे हाथ पे ही लगाई थी और ये देखो ये खराब हो गई, खराब हो गई। यानी कि इस बार मैंने ऐसी मेहंदी लगवाई है। यूसुफ से पूछती हूँ कैसा आज फील हुआ कुर्बान लिया था मैंने, ज़बा कर लिया बस, मुझे तो लगा था ज़बा नहीं किया, बस हो गया ना। अनारी कसाई थे, अनारी कसाई, और ये अनारी कसाई, ये देखो ये जो है ना, ये देखो अब ये जो है ना। मैंने तुम लोगों को सब कुछ दिखाया और तुम लोग मेरी हालत देख सकते हो कि मेरे बाल कैसे हुए और मैं बालों को ऐसे ऐसे कर रही हूँ। यार बहुत गर्मी है, नहीं दिल करता कुछ भी करने को, पता नहीं इस ईद में तैयार कौन हुआ है। जो भी तैयार हुआ ना वो बहुत ही कोई अजीब बंदा है जो इस ईद में तैयार हुआ है, बिकॉज गर्मी इतनी है और बड़ी ईद में तैयार हुआ भी नहीं चाहता। बड़ी जस्ट खाने के लिए और सोने के लिए। और इस बार मैंने भी ईद में सोकर दिखाया, इस बार मैं भी ईद में सोई। वैसे मुझे होता था कि यार ईद में कौन सोता है, लेकिन आज जब सोकर सुकून और मज़ा आया ना, सीरियसली सोच भी नहीं सकता बंदा, मतलब सारी थकान उतर गई बिकॉज तीन चार छुट्टियाँ थी ऑफिस से और वो सारी नींद भी पूरी करनी थी, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ और जो है ना साथ में नींद पूरी वगैरह कर लेती हूँ। सुबह मैं सो रही थी, बाबा लोगों ने आकर मुझे उठाया, मुबारक उन लोगों ने कहा होश करो उठो, कुर्बानी का चैनल जाने लगे, हमारा बबलू चैनल गया तो उसको लास्ट बार मिल लो। और वो सीरियसली मुझे इतने अच्छे तरीके से मिला कि मुझे उसको लेकर ना रोना आ गया। मैंने कहा अभी इसे सुबह ना करो, इसे ना लेके चो, इसे ना लेके जाओ, लेकिन वो बहुत शरीफ और बहुत मासूम था। अच्छा मैं बिना कह रही हूँ बहुत प्यारी लगती हूँ, बस यही थिंग्स होती हैं बड़ी ईद वाली थिंग्स जो कि हर घर में होती हैं। और मैं देखो बिना तैयार हुए भी माशाल्लाह से कितनी प्यारी लगती हूँ, तो मैं हुई ही बहुत प्यारी, यू नो आई एम सो प्रेटी, इसलिए तो मेरे चैनल का नाम है। सो अभी गाइस मैं जो है ना अभी इतनी शदीद वाली थकी हुई, मैं एक मिनट पर्दे हटा देती हूँ और यहाँ पर ऐसे करके बैठ जाती हूँ। यार ओह गॉड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, यहाँ पर ठीक है। ओह माय गॉड बस यही बड़ी ईद में यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि पीछे बहुत शोर हो रहा है। अभी भी मैं सब बब्बू सा कर रही थी कि यार नहीं छोड़ करो मुझे ब्लॉग बनाने दो, लेकिन कोई बाज नहीं आता क्योंकि बड़ी ईद है। बड़ी ईद में यही चलता रहता है कि इसको कौन सा देना है, इसको कौन सा देना है, इसे कितना देना है, इसे कैसे देना है, इसे वैसे देना है, इसे वैसे देना है, इसे वैसे देना है। सो गाइस मैंने कहा आप तुम लोगों को ईद का पहला दिन भी दिखा दूँ। ओह माय गॉड यार सेहत में बहुत गर्मी लग गई। सो तुम लोग मेरी एयरिंग्स देखो और आज मेरा मेकअप भी देखो जो कि मैंने खुद किया है, मतलब आज आई शेड तुम लोग देखो कितना मज़े का लगा है।
आज मैंने खुद किया अपना मेकअप, आज मैं खुद तैयार हुई हूँ। मैंने कहा कि आज तो मैंने जो है ना खुद ही तैयार होना है। और मैंने पहले टिकटॉक पे कल देखे थे, मेकअप करना सीखा था, सो उसकी वजह से आज मैं खुद तैयार हुई और बहुत ही मजे का तैयार हुई। सो कल भी मैंने तुम लोगों को ब्लॉग बनाकर नहीं दिखाया, लेकिन कल और आज का जो है दोनों का कंबाइन ब्लॉग होगा, तो तुम देख लेना। कल मैं तैयार नहीं हुई थी, कल जस्ट मैंने सोकर ईद गुजारी थी। वो कहते हैं ना कि सोकर ईद गुजारना वो किया था, और कसाई बनी हुई थी मैं वीडियो में, वैसे कसाई नहीं बनी हुई थी। वैसे मैंने कोई भी काम नहीं किया यार, मैं बस जस्ट सो रही थी, नींद पूरी कर रही थी, बिकॉज काफ़ी अर्से से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। ऐसे मैंने कहा कि कल नींद पूरी करूँ। सो तुम लोग मेरी आंखें देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह से। ओ माय गॉड, से माशाल्लाह, से माशाल्लाह, से माशाल्लाह, सो माशाल्लाह बोलना, बिकॉज आज मेरी आंखें मुझे खुद बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। सो माशाल्लाह तुम लोग क्लास में बोल देना, नज़र मत लगाना। देखो आज मैंने मास्क भी मेरे ड्रेस के साथ मैच करा है, बहुत ही मजे की लुक आ रही है आज। सो मैं तुम लोगों को बता दूँ कल मैंने क्या क्या किया ना। अगर कल जो है मैं पूरा दिन सोई रही, सोकर उठी, मैंने खाया पिया, लेकिन कुर्बानी का कुछ पता नहीं मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो सो मैंने नहीं खाया। तो मैंने आलू खाए, रात को भी मैंने चिप्स खाए, और बिकॉज मुझसे गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, शायद मुझे हजम नहीं हो रहा था, या पता नहीं क्या सीन था, या मेरा मैदा वो चीज़ हजम नहीं कर पा रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आया कि सो सो कर ईद गुजारी। और ये तुम लोग देख सकते हो कि ये मेरी मेहंदी खराब हुई है, इसके पीछे भी बहुत मज़े की स्टोरी है। सो ये मज़े की स्टोरी है, ये मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन मेरी मेहंदी जो है यहाँ से खराब हो गई थी, बिकॉज मैंने मेहंदी लगाई नहीं यार इस बार, मैं दिल्ली नहीं गया इस बार मेहंदी लगाने का। जस्ट मैंने एक हाथ हल्के से लगाई, वो भी जो है ना उसका गले था फांसी आया, सो मेरा बिल्कुल भी नहीं दिखता मेहंदी लगाने का। बस मेरी कज़न ने पहुंच किया था मेहंदी लगाने के लिए, और वो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत मजे की मेहंदी लगाती है। वो दुर्गा भी गई थी चार रात में मेहंदी लगाने के, मैंने तुम लोगों को वो भी दिखाया था। पता यार मेरा सूख गया, और अभी पिक्चर्स मैं बना पड़ेगी, अभी मैं फोटो शूट कर रही हूँ, वीडियोज़ बना कर रही हूँ, सो उसकी वजह से मेरा गला काफ़ी सूख गया, काफ़ी ज़्यादा गला सूख गया। अच्छा अक्सर लोग ना मुझे व्लॉग में कहते हैं टिकटॉक पे ना कमेंट्स करके कि आहिस्ता बोला करो यार, मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, मेरी आदत है तेज़ बोलने की। मैं कॉलेज और स्कूल लेवल में भी इतना ही तेज़ बोलती थी, इवन मैं अपना लेसन भी बहुत तेज़ सुनाती थी, ये बात मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। सो मुझसे जो है वो ऐसा नहीं बोला जाता, और मैं ऐसा बोल ही नहीं पाती, मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलती हूँ। सो इसलिए तुम लोग गुजारा करो मेरी तेज़ तेज़ आवाज़ सुनो। सो मैं देखती हूँ किचन में कि मेरी अबी क्या कर रही हैं, शायद आज नेहारी बन रही है घर में। सो अभी मैं आपको जाके किचन में दिखाती हूँ कि अबी क्या कर रही हैं। सो अभी हम चलते हैं और किचन में देखते हैं कि सब वहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा आएगा, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरी अबी जो है इस वक्त क्या कर रही है किचन में। इस वक्त जो है निहारी बन रही है, मैं तुम लोगों को निहारी की जस्ट शक्ल तुम लोग ये देख सकते हो कि ये निहारी बन रही है। यार इसमें इतना पानी क्यों डल गया निहारी में, मतलब इतना ज़्यादा पानी डल गया। अब ये मुझे नहीं पता कितना पानी क्यों डल गया, तुम लोगों को पता होगा, तुम लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, जिसको निहारी बनाना आती है वो लाजमी बताइएगा। अगर मैं आप ही से पूछ रही इतना पानी क्यों डाल दिया उसमें, इतना पानी क्यों डाल रहा है, जिसको अभी बताने के मूड में नहीं है, चीज़ें सब वो बनी हुई है मासी। सो मैं तुम लोगों को इसके इलाज बाद में कहूँ, तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता दो। तुम लोगों को दिखाया कि आप ही जो है इस टाइम निहारी बना रही है, और वो बिल्कुल भी मूड नहीं थी बात करने के मूड में नहीं थी, बिकॉज किचन में इतनी गर्मी है, मैं दो मिनट वहाँ क्या चली गई, मेरा तो बुरा हाल हो गया है यार। पता नहीं लोग किचन में इस टाइम कैसे काम कर लेते, मुझसे तो नहीं होता, मैं तो नहीं कर पाती यार। आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, आज मैं खुद ही अपनी तारीफ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आज मैं खुद को ही बहुत प्यारी लग रही हूँ। आज मैंने मेकअप बहुत अच्छा किया, वैसे मुझसे मेकअप होता नहीं, मुझे मेकअप करना नहीं आता, लेकिन आज मैंने इतना प्यारा मेकअप किया ना कि मुझे खुद से ही प्यार हो रहा है आज। हाय अल्लाह जी, आई एम सो प्रेटी, यू नो, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है प्रेटी फ्लॉलेस। सो इससे लिए आज मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ, बिकॉज मैं खुद को बहुत प्यारी लग रही हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं जैसे भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। सो इसलिए अपने आप से प्यार करो। सो गाइस तुम लोग देख सकते हो मेरी एंड में कितनी खूबसूरत है, ये मैंने पिछली ईद पे ली थी। सो मैंने इसके साथ ये ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहन ली, मैंने कहा इस ड्रेस के साथ ना ये मैचिंग हो जाएगी, तो इसको मैंने इस तरह से पहन लिया। सो इसलिए, लेकिन ये ड्रेस जो था मैंने न्यू नहीं लिया, बल्कि न्यू नहीं आता, पिछली ईद में लिया था, लेकिन मैंने इसे पहना नहीं था, मैंने रख दिया था। सो मैंने कहा कि इसे अब पहन लेती हूँ और तुम लोगों को दिखा देती हूँ, यार ये क्या है, मैं अब पहन लेती हूँ, तुम लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा ये ईद का ड्रेस कैसा है। सो तुम लोग भी मुझे कमेंट्स में बता देंगे तुम लोगों की ईद कैसे गुजरी, तुम लोगों ने सोचा कोई गुजारी, लड़कों की तो कसाई बनते हुए गुजरी होगी, क्योंकि लड़के तो इस ईद में कसाई बने होते, टक 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 गोश्त काटते होते हैं, तो उनका तो यही काम होता है। और उस टाइम लड़कों की बंदा हालत देख रहे, दोबह उनकी जो हालत हुई होती, फ़ोन से भरे हुए उनके तो कपड़े होते हैं। सो लड़कों का तो बहुत बुरा इस ईद में होता है, सो उनसे तो बंदा दाई पूछे कि उनकी ईद कैसे पूरी है। सर लड़कियाँ तुम लोग मुझे बता
बताना कि तुम लोगों की ईद कैसे गुजरी और कौन कौन तैयार हुआ और किस किस कलर का तुम लोगों ने ड्रेस पहना और क्या क्या तुम लोगों ने ईद में किया। सो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। तो बाकी यार ये कि ऑफिस से हमारी है 3 छुट्टियाँ, तो इसके बाद ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा 3 दिन बाद। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा, गर्मी की वजह से ना मेरी स्किन बहुत ख़राब हुई है, मुझे पिंपल्स बहुत निकले हुए हैं। इससे मैं अभी अपनी स्किन का ध्यान रखती हूँ। कल मैंने क्या किया था, कल मैंने फेशियल लगाया था, दैन मैंने टमाटर साथ में अपने स्किन पे लगाया था, तो उससे मेरी स्किन पे काफ़ी इफेक्ट हुआ था। मेरी स्किन उससे काफ़ी अच्छी हो गई थी, मतलब अच्छा लगा था मुझे। सो तुम लोग भी ट्राई जरूर करना जिनकी स्किन ख़राब है। सो मेरा तो आज मेकअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैंने आज खुद किया और बहुत मज़े कर दिए। उनसे होता नहीं है, लेकिन आज आई शेड भी मैंने लगाई टिकटॉक में, कल मैंने देखे थे हैक्स कुछ और उसमें से मैंने ट्राई किया था। सो बाल तुम लोग देख सकते थे यार, छोटे बालों के साथ बहुत सुकून है, यू नो। ऐसा इन बालों में मुझे तंगी होती है, लेकिन छोटे बाल में इतना सुकून है यार। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो इतने बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, मुझसे तो इतने बड़े बाल नहीं रखे थे। सो गाइस, हो सके तुम लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। आज का मैं व्लॉग इतना ही था, बिकॉज के मॉन्स में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, ईद मुबारक।